हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जीनू लाइक खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कॉम्पैक्ट का रिव्यू। वो कॉम्पैक्ट है ये है ग्लैम 21 का कॉम्पैक्ट। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो फुल वॉच करने के बाद अगर जरा भी हेल्पफुल होना तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आई होप उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बारे में बात करूंगी, ये है ग्लैम डियो फिनिश ब्राइट स्किन पाउडर। तो ये जो ग्लैम 21 का ये कॉम्पैक्ट है, और इसमें से मेरा शेड नंबर है 01 है मेरा शेड नंबर। और लाइट पाउडर इज क्विकली अप्लाइड टू द स्किन टू एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल एंड टू मेंटेन अ लास्टिंग एंड डेलिकेट मेकअप इफेक्ट। सो गाइज, आपको तो पता होगा कि कॉम्पैक्ट पाउडर हम अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। हमारे मेकअप में से हमें ना स्वेटिंग नहीं होती, अगर हम कॉम्पैक्ट लगा लेते हैं तो हमें बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होती है। और समर में कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि समर में स्वेटिंग की बहुत ज्यादा, चाहे हम कितना मतलब किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, किसी को कम होती है, तो कॉम्पैक्ट तो सबको लगाना जरूरी होता है मेकअप में, अगर हमें अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। देन इसके बाद इसकी जो नेट वेट क्वांटिटी है 24 ग्राम है। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी मेंशन की गई है। और ये डियो फिनिश कॉन्टोर पाउडर बाय ग्लैम 21 मेक इट इजी टू डिफाइन शेप एंड हाईलाइट योर फीचर। दिस इज अ डियो फिनिशिंग पाउडर दैट हाईलाइट्स एंड कॉन्टोर योर फेस इजीली एंड ऑल्सो सेट्स योर मेकअप टू गिव दैट फ्लॉलेस फिनिश लुक। तो ब्ला 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 बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लाइक कॉम्पैक्ट, ठीक है। देन इसके बाद में ये थ्री शेड्स में आता है, लाइट टू मीडियम एंड मीडियम टू डार्क स्किन एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। आपको थ्री शेड्स में मिल जाएगा, लाइट टू मीडियम एंड मीडियम टू डार्क स्किन टोन। और देन इसमें इसकी इंग्रीडियंट की लिस्ट मेंशन की गई है। ओके चलिए, तो अब मैं ये पूरा ही कॉपर कलर की कार्टन के बॉक्स में है, इस तरफ की कॉपर कलर की पैकेजिंग है। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका अंदर से भी ये आपको कॉपर कलर का शाइनी सा है। पीछे इसका शेड नंबर 01 दिया गया है, और 01 है। और इसका जो सबसे ही अमेजिंग चीज है कि इसमें मिरर है, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर में मिरर हो तो हम सारा ही मेकअप कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ है ये, देखो आप, इसमें इस तरह का लॉक है, इस तरह से टक करके बंद हो जाता है। ट्रेवल फ्रेंडली, आप इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। देखिए कितना, मतलब देखने में भी कितना अच्छा क्लासी सा लग रहा है। कॉपर रोज गोल्ड कलर की इसकी पैकेजिंग है। इस तरह से हम इसको खोलते हैं, ये नीचे ये आप देख रहे हो ना बटन इस तरह से लगा हुआ है, इसको खोलते हैं। देन मिरर, और ये आपको टू पैन्स मिल रहे हैं, एक मतलब एक प्लेन है जो हम डे टाइम में यूज कर सकते हैं, और एक में थोड़ा सा शिमर है। ये देखिए कितना ज्यादा फ्लॉलेस है ये, और ये ना येलो अंडरटोन है। तो अगर आप फेयर टू मीडियम है तो आप इस चीज को ना, इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है ये, और बट मुझे समटाइम ऐसा लगता है बहुत ज्यादा येलो अंडरटोन होने की वजह से ये थोड़ा सा ना, बहुत थोड़ा सा केकी सा लगता है मुझे कभी कभी, मतलब बहुत ज्यादा पाउडरी सा लगता है, एकदम सटल सा फेस नहीं लगता। जब हम इसको फाउंडेशन के बाद लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा हमने येलो सा कुछ लगा लिया है, तो ना हमें इसको थोड़ा सा सेट अच्छी तरह से करना होता है। तो उसके लिए इन्होंने हमें ये भी दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से डैब डैब करके आपको इसको अच्छे से लगाना होता है। बट ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन है, अगर आप येलो टोन के लगाना, लेकिन 01 था, मैंने इसको जब बाय किया तो ये 01 था, तो थोड़ा सा ऐसे आइवरी टच होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, आपको इसमें तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये येलो अंडरटोन हैगा, ठीक है। तो जब मैं इसको यूज करती हूँ तो थोड़ा सा मैं इस तरह से यूज करती हूँ कि इसके बाद ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह से मतलब थोड़ा मुझे येलो अंडरटोन ज्यादा लगता है 01 के अकॉर्डिंग। चलिए मैं आपको इतने हैंड पर इसको लगाकर भी दिखा देती हूँ किस तरह से है ये। ये देखो आप कितना ज्यादा हाई कवरेज है ये, जरा सा मैंने उसमें लिया, और फ्रेग्रेंस इसकी ठीक ठाक है,
कुछ ज़्यादा वाव नहीं है, जैसे मेकअप प्रोडक्ट में फ्रेगरेंस आती है उसी तरह की फ्रेगरेंस है, कुछ अलग सी इसमें फ्रेगरेंस नहीं है, तो कुछ इस तरह से है। ये देखो आप यहाँ से और यहाँ से, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, एकदम वाइट कर दिया उसने मेरे हैंड को। तो जब हम मेकअप करते हैं ना तो उसके बाद तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके बाद हम कॉन्टोर वगैरह कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा ये वाइट एंड येलो नहीं रह जाता है, अच्छा लगता है लगाने के बाद जब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं क्या बता रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा पाउडरी भी बहुत ज़्यादा है, जब हम थोड़ा सा निकालते हैं ना तो पाउडर है ऑब्वियसली पाउडरी होगा, लेकिन थोड़ा सा पाउडरी ज़्यादा है, मतलब जब हम इसको फाउंडेशन के बाद लगाते हैं मुझे तो थोड़ा सा येलो अंडरटोन लगता है। अगर आप लोग इस टोन के बाय करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 8/10 दूंगी क्योंकि मुझे 2% इसमें थोड़ी सी जो कमियां हैं वो मैं मुझे अच्छी नहीं लगी है, थोड़ा तो येलो अंडरटोन है, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ मतलब सेट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए आप, तो आपको एक प्लेन दिख गया, मैंने आपको उसका डेमो भी दिखा दिया, अब मैं आपको इसका ये शिमर वाला भी दिखाना चाहूंगी। ये इसमें आपको ना शिमर के पार्टिकल्स दिखते हैं, शाइनी शाइनी सी आपकी स्किन हो जाएगी जब आप इसको लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा शाइन, तो ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं तो आपको ये कैमरे में नहीं कैप्चर होंगे, अगर मैं आपको दिखाने के लिए भी ट्राई करूंगी कि मैं इस तरह से, तो नहीं कैमरे में कैप्चर होंगे, मेरा हाथ पूरा ही वाइट हो गया लिटरली। आप देखो अच्छा है ओवरऑल, अगर आप लेना चाहते हैं 200 रुपीज़ में तो 250 रुपीज़ में तो अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, आपको 2 पैन्स मिल रहे हैं, इतने ह्यूज पैन्स मिल रहे हैं, बहुत टाइम तक 1-1.5 साल तक तो ये कॉम्पैक्ट आपका चलने वाला ही है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड गाइज, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी तो पूरी कोशिश रहती है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, रिव्यू अच्छे से कर पाऊँ, एंड कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, चल देने ला हाफिज़, बाय बाय।